प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम पे आप सभी को जय मसीह की। सितंबर महीने में हमने परमेश्वर की प्रेरणा से यहाँ मंदिर का काम शुरू किया है। अब तक आप मेरे पीछे देख रहे हैं, फाउंडेशन का काम किया है, बाद में दीवार उठाए हैं, चर्च का एलिवेशन आप देख रहे हैं, और इस महीने में हमने चर्च का दीवार की प्लास्टरिंग भी किया है। आज मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि इतना दूर प्रभु ने हमें इस जगह लाया है और यहाँ प्रभु ने अपना दर्शन देकर इस जगह में सेवकाई करने के लिए, अपना भवन बनाने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया है। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, इसके पहले आपने इस सेवकाई के द्वारा कई मिशनरियों की कहानियों के बारे में सुना है, परमेश्वर के संदेश सुना है, हमारी गवाही सुने हैं। एक बार पतरस ने प्रभु से कहा, प्रभु हमने सब कुछ छोड़कर तेरे सेवकाई को आए हैं। तब प्रभु ने कहा, जो भी परमेश्वर के सेवकाई के लिए अपना घर परिवार माता पिता बच्चे जायदाद सब कुछ छोड़कर मेरी सेवा करते हैं, यहाँ और स्वर्ग के राज में 100 गुना प्रतिफल पाते हैं। इस वचन के अनुसार हमने हमारे घर परिवार माता पिता गांव सब कुछ छोड़कर इस नए जगह में प्रभु की प्यार को बताने के लिए आए हैं। हाँ, एक मिशनरी की तरह हम यहाँ आकर सेवकाई कर रहे हैं। इस मंदिर में नेक्स्ट काम है चर्च का रूफ शेड का काम करना है। इस चर्च कंस्ट्रक्शन के लिए प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर का चर्च कंस्ट्रक्शन में किसी भी पार्ट में आप सपोर्ट करना चाहते हैं, आप हमें नीचे दी गई नंबर पर व्हाट्सएप के द्वारा या फ़ोन करके बता सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम पे आप सभी को जय मसीह की। आज आपके सामने बेतेल का अर्थ बताना चाहता हूँ। क्या आपको बेतेल का अर्थ पता है? बेतेल का मतलब परमेश्वर का भवन है। जी हाँ, इस बेतेल के पीछे बाइबल में एक सच्ची घटना है जो याकूब के जीवन में हुआ है। एक बार याकूब अपना घर छोड़कर अपना भाई एसाव से डरकर हारान जगह से आगे बढ़ रहा था। उस समय सूर्यास्त हो गया, रात के समय एक पत्थर को तकिया की तरह बनाकर सो गया और उस रात परमेश्वर ने एक स्वप्न दिखाए। उस स्वप्न में आकाश से पृथ्वी तक एक बहुत बड़ी सीढ़ी है और उस सीढ़ी पर स्वर्गदूत उतरते चढ़ते दिखाई दिए और उसके ऊपर परमेश्वर खड़े होकर याकूब से बात करने लगे। हे याकूब, मैं तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर, तेरे पिता इसहाक का परमेश्वर और तेरा परमेश्वर हूँ। जिस जगह अभी तू सो गया है उस सारी जगह को तुझे दूंगा, तेरे वंश को आशीष दूंगा, तुझे पश्चिम उत्तर दक्षिण और पूर्व चारों तरफ तू फैलता जाएगा, मैं तेरे साथ रहकर तेरी रक्षा करता रहूँगा। याकूब, मैं तेरे साथ रहूँगा कहते हुए परमेश्वर ने याकूब से उस स्वप्न में बात करने लगे और उस जगह याकूब अपने आँखें खोलकर उस जगह को देख कर डर गया और कहा, ये जगह बहुत भयानक है क्योंकि यहाँ परमेश्वर है, यहाँ तो परमेश्वर का भवन और कुछ नहीं है। इसीलिए याकूब ने उस जगह को बेतेल कहकर नाम रखा। बेतेल का मतलब क्या है? परमेश्वर का भवन। देखिए, परमेश्वर ने याकूब से बेतेल में वादा किया। क्या है वो? मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे वंश को चारों ओर फैलाऊंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, तुझे मदद करूंगा, तेरी रक्षा करूंगा और जो भी वादे मैंने तुझे दिया है उन सारे वादों को पूरा किए बिना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये परमेश्वर का भवन है, बेतेल है। याकूब सुबह उठकर एक खंभा खड़ा कर, ये स्वर्ग का फाटक है, परमेश्वर का भवन है, बेतेल है, दिस इज गेट ऑफ हेवन, स्वर्ग का फाटक है कहकर याकूब ने उस जगह में परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर की महिमा की। देखो, आज इस संदेश के द्वारा मैंने आपको बेतेल का मतलब बताया है। आज मैं भी, मेरे पीछे परमेश्वर का भवन है, बेतेल है। परमेश्वर ने मुझे भी अपनी सेवकाई के लिए बुलाया है और वादा दिया है कि परमेश्वर का भवन तू बना। इस जगह बहुत पवित्र है, परमेश्वर का अनुग्रह इस जगह पे है। कई लोग जो प्रभु को नहीं जानते उनको उद्धार का वचन बताने के लिए, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए ये स्वर्ग का फाटक है। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे। आमेन।